ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने पुलिस की अपराध शाखा ने चैन स्नैचिंग सहित चोरी के कई और मामलों में आरोपी अब्बास अमजद ईरानी उर्फ सैयद को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी अब्बास के खिलाफ मौका के तहत भी दो मामले पंजीकृत हैं। साल 2016 से ही आरोपी कई बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इस शातिर आरोपी को पकड़ने के लिए ठाणे अपराध शाखा यूनिट एक ने विशेष टीम तैयार की थी। टीम ने ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई सहित कई शहरों में तलाश की, मगर इस शातिर चोर का कुछ पता नहीं चल सका। गुप्त जानकारी पर पुलिस ने कर्नाटक में भी इसे पकड़ने का असफल प्रयास किया, मगर इसी बीच पुलिस को इस आरोपी के बारे में जानकारी मिली और इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार की शाम 7 बजे आरोपी अब्बास अमजद ईरानी उर्फ सैयद को कुरला से गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों से वो फरार चल रहा था। अपने सिटी सर का एक इन्फॉर्मेशन था कि वो कुरला में आने वाला है। सिटी सर के इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपने काम करना चालू किया तो कुरला में वो उसके बीवी के साथ शॉपिंग के लिए बाहर निकला था। वो अपने यूनिट वन के अपने जो ACP है गोविंद साहब और उनकी जो टीम थी उसके अंदर ठाकरे साहब थे, पुराने साहब थे, बड़े साहब थे, उन्होंने पूरा टीम वहाँ पे लगाया था। वो टीम ने उसको ट्रैप में वो अपने को मिल गया। मिलने के बाद उसने अपने को सरेंडर हुआ और उसने सब बता दिया कि मैंने क्या क्या क्राइम किया था। तो दो मौका में अपने लिए वॉन्टेड था, लेकिन ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे सिटी सर का था। और इसके पहले भी अपन ने बीदर में उसको पकड़ने की कोशिश किया था। वहाँ के स्थानीय SP है, उन्होंने भी अपने को हेल्प किया था। उसके बाद पार्क साइड में भी अपने को इन्फॉर्मेशन मिली थी, वहाँ पे भी अपन ने होमिंग किया था। उधर के जब DCP थे उन्होंने भी वहाँ पे अपने को मदद किया। लेकिन जो अब्बास अमजद ईरानी उसको अपन ने घर तो भेजा है और अभी अपनी हिरासत में है। कई सालों से फरार चल रहे चोरी के आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 392-34 सह महाराष्ट्र संगठित गुना नियंत्रण अधिनियम 313-234 और कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 392-34 के तहत मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए कल्याण विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त को इस आरोपी को सौंप दिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।